दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आप मेरे नए ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग जैसे देख सकते हो कि हम बिस्तर में ही बैठे हैं, क्योंकि मेरी कल से बहुत तबीयत खराब हो रही है, आँख नहीं खुल रही है। ऊपर से ये आँख मेरी बहुत लाल धरी है, समझ नहीं आ रहा, इसकी वजह से नसें मेरी खुल रही हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं आज ये क्या करते हैं, वो बच्चे भी मेरे क्या कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। मैगी खा रही हैं ये, निया मैगी खा रही है सुबह सुबह, और दिया बत्ती हो चुकी है, क्योंकि नॉर्मल बात है, बच्चे ने दिया बत्ती भी कर दी है। और मेरे घर में जो जैसे बच्चे ने इधर उधर कपड़े पड़े फैलाए रखे हैं, तो वो भी हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। बच्चे देख सकते हो, कोमल स्कूल के लिए तैयार हुए कोमल, और सुबह सुबह टीवी भी चल रही है, तो टीवी भी देखो बंद कर दी है, क्योंकि नेट बंद कर दो। तो और बताओ डोली, बढ़िया हूँ गाइस, आप सब कैसे हो? बताना। हाँ बढ़िया है, सब बढ़िया है। और निया मैगी खा लो, सब मैगी खा लो, निया कह रही मैगी खा लो। तो बताना आप लोग, लाली दीदी के घर पे, और लाली दीदी लगा रही है सर के तीर फोन, क्योंकि कल तो सर बहुत परेशान कर रखो। आज तो सुबह 7 बजे आएंगे और 11 बजे आ नहीं रहे क्या आप? हाँ मेरे से, मेरे पास तो आ गया, इन लोगों के पास नहीं आया। आई गो आ गया, मेरे पास भी आई गो, उनके पास भी आई गो। अच्छा आ गया, सबके पास आ गया सर। सर टाइम से आ जाओ, नहीं फिर 1 बजे मेरे तो ये खाना खाने के लिए आते हैं, फिर नहीं निकल पाए मैं कहीं भी। हाँ 1 बजे मेरा नहीं कहीं जाना होता, इसीलिए तो। तो यह है लाली दीदी और घर, और लाली दीदी बहुत तैयारी कर रही है कि शादी के बाद पहली बार बेटी दामाद आ रहे हैं, और सास ससुर भी आ रहे, मतलब लाली दीदी की समधी भी आ रहे और समधन भी आ रही। समधी को पहली बार देख रही क्या? कितनी बार देख लिया, ब्याह में देख लिया, वहाँ देख लिया, सगाई करने गई जब। बहुत बार समधी से मिल चुकी है, तो इनके लिए तो पुरानी बात हुई। और देखो मेरे सामने है कालका जी, कालका माता का मंदिर, और ये देखो कितना अच्छा नजराना है इधर गाय, तो आप लोग देख सकते हो। मेरे तो कुछ भी नहीं किए, मेरे ही वो सर ने उड़ाए थे, तो हम ले रहे हैं देखो लोन, और सर हमें दे रहे हैं लोन, और बार बार मेरे कागज उड़ाए दे, फिर वापिस ले रहे नए कागज। हाँ कौन सा सर है? ये सर है, ये दोनों सर हैं। ये तो सुबह ही बोल देते हैं, उसके बाद नहीं बोले। तो ये है सर, देखो कांग्रेस ही हैं। देखो भाई अपन तो जो जीता उसके साथ में, नहीं जो जीता वो उसके साथ। हाँ वैसे ये बढ़िया है, जो जीता भाई हमने उसको वोट दिया, जो हार गया हम तुम्हें जानते ही नहीं है, बात खत्म। अरे इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जाने कहाँ से लाए, वसुंधरा को बैठा दिया। ये है अपने घर पे, अब लाली दीदी का घर से निमट चुके हैं, तो अपने घर पे जा रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे भी क्या कर रहे हैं, और तबीयत तो सही नहीं है, आँख देख आँख बहुत लाल हो रही, मेरी खून जैसी पता नहीं क्या हो रो आँख में। तो मेरी निया कर रही है मस्ती, और देख सकते हो मैं आज अपने घर का ले आए हैं राशन, और राशन आसन ले आए हैं, क्योंकि देख लो कैसे मस्ती कर रही है। अरे अरे मत कर यार, ले पैसा ही पैसा। तो आप लोग मम्मी और मैं कर रहे हैं घर का काम, बाहर वाले कमरे में आके मम्मी ये काम करने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड स्पीड में काम कर रही है, क्योंकि मम्मी ने बोला है कल मेहमान आ रहे हैं, और अपना देख लो घर कितना बिखरा पड़ा है, स्कूल के कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, और मम्मी ने बोला कि आप तो मैं सारा काम ख़त्म करके ही दम लूँगी, क्योंकि यार रोज़ 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 मतलब करते तो हैं, लेकिन ये हमारी कोमल है ना वो सब बिगाड़ देती है। ऊपर से ना कुछ मैम मतलब जैसे आ रहे हैं, हमारे काजल आ रही है जिसकी शादी हुई थी अभी, वो भी आ रही है, और उनके जमा मतलब हमारे जिया जी, और ना
वो उनके सास ससुर आ रहे हैं, ये सब लोग आ रहे हैं। तो मम्मी ने बोला यार नहीं, अपने घर भी आएंगे तो थोड़ा सा काम सफाई कर ही लेते। मैंने कहा ठीक है मम्मी तुम कर लो, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है, मेरा पेपर है। तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। फिर मम्मी ने बोला ला ठीक है ला, इधर से उधर सब सब मैं ही कर दूँगी, सुपरमैन की तरह एकदम सुपरमैन, सलमान का फैन। यो अब मम्मी ले आई झाड़ू, ये झाड़ू हम लोग कल ही लेकर आए, क्योंकि हमारा जो झाड़ू है वो जो हम धनतेरस पर वो कुछ ज़्यादा बड़ी आएगी, वो कुछ ज़्यादा फैली हुई है, तो जैसे उससे लगती नहीं। फिर मम्मी ने फूफा करते हुए झाड़ू लगा दिए पूरी। अब मम्मी झाड़ू लगा रही है ताकि मतलब पूरी झाड़ू समेट दे कचरा। मम्मी ने हमारा घर छोटा सा है लेकिन क्या है ना बिखर जाता है तो काम बहुत बड़ा हो जाता है। बाकी कोई ना, अब मम्मी पूरा काम समेट देंगी, क्योंकि हम लोग को क्या है ना जाना भी मतलब जी थोड़ा सा बाजार का भी काम रहता है ना, तो वो भी करना है। मम्मी सारा काम निमट के फिर उसके बाद ये लो मम्मी अंदर आई तो मैं खाना खा रही थी। मम्मी ने पूछा क्या है नया, तो बोला पराठे खा रही हूँ आलू के। मैंने बोला ठंडे, मैंने कहा नहीं गर्मा गर्म। तो मैं बोली वाह अरे बात है, मेरे को झूठ बोला। मैंने मम्मी को बोला था मम्मी लाली दीदी बैठी है, कपड़े धो ले, कपड़े बहुत सारे हो गए हैं ये ना। ये रोहित की मम्मी, कहाँ पता है जे रोहित की मम्मी, ये देख सकते हो आप लोग, ये बड़ी फोन होता है तो मुझे ये मेरी फ्रेंड है, कैमरा बंद है तुम्हारे आड़ में, इधर आओ। ये है रोहित की मम्मी, ये है लाली दीदी, देखो आएगी का देख रही है, लाली दीदी आई गई है, ये नेहा बाल्टी लेकर वापिस आई गई है, ताला खोलने जे अम्मा है, प्रूफ है। तो देखो आप लोगों को और द्वारे की शूटिंग करें तो और और द्वारे शूटिंग करें। अभी मेरा ब्लाउज माइन आई चुकी है, तेल लगाई रही है, रेड सोनी बासन दे रही, बासन सुन तो सही है। अरे माई भी ऐसी है, माई भी भाषण देती है। हाँ अरे वो तो ऐसे से गाने गाई, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आ, ऐसे करेगी। देखो तो मेरी लाली दीदी इतना अच्छा गाना गा रही, रिकॉर्डिंग हो गई तुम्हारे गाना की। देखा तो ये है हमारे सब, ये लाली दीदी है, ये जिठानी है लेकिन फ्रेंड है मेरी, एक वो माई है, माई कहते हैं ना माई की लुगाई माँ, वो भी अच्छे बनाती है, पुराया करती है, मैं पुराया करती हूँ माई की, चुप्पा चुप्पा। ये आएगी अम्मा गाय, ताला खोल के अम्मा गाय गए, ये टिल्लू कितनी अम्मा करती आए तो जाती कैमरा में अब वो वीडियो डाल दे दुनिया दिखे मेरा आदम तुम कुट रहे। तो ये भानेजा मेरा टिल्लू जो ये है ना हमेशा कैमरा माने से छिपता है, और ये अगर मेरे से वीडियो डाले ना तो कितनी अच्छी वीडियो मेरी बने, कितना अच्छा ब्लॉग बने, नीचे नहीं गिरे तो बताओ, इनका चेहरा देख लो आप जल्दी। सवेरे सब्जी की टेंशन, रोटियां तो बढ़िया है जो आटो बता दीजिए, रोटियां इनकी बना लो बस। हाँ रोटियां की टेंशन नहीं हो, सब्जी इनकी ज्यादा रहे। हाँ ऐसे ही कुछ एक सब्जी बना देता भगवान जो उसे बनाते खाते रहते, तो हम सब कामन से निमट गए हैं। देख सकते हो आप लोग, अब मैं रसोई में घुसेंगे तो आप लोग देखना रसोई में कितना सारा काम फैला है। 1:30 बज गई, 1 बजे पति देव खाना खाने आए, अगर टाइम से नहीं मिला तो बस करंट आने वाला है। तो मैं खाना मेरे सिर में खुजली चल रही थी जब इधर आ गई, एक जू निकला रेन भाई को मोटा है, वही जू खाई जा रहा था। देखो मेरी आंख बहुत लाल है, खून पता नहीं क्या हो रहा है, और आंख में ड्रॉप भी डाल रहे हैं, तो देख सकते हो आप लोग मेरी आंख भी दिखा, ऐसे ऐसे करो तो इधर चली जाते हैं, तो मेरी आंख बहुत दर्द दे रही है, और मुझे बहुत दिनों का ब्लॉग नहीं बनाया, और अब हमने स्टेज ये जो भी क्या मंगाया ये इसका क्या नाम है स्टिक मंगाया है, तो थोड़ा ब्लॉग बनाने में अच्छा लग रहा हुआ है, थोड़ा मस्ती वस्ती करा था, वो भी अब रिकॉर्डिंग हुए करे, क्योंकि ये एक है। हाँ देखा
और मैं भी जा ही रहा है ना, मैं रसोई में लगे तो आप लोग चल सकते हो रसोई में मेरे साथ। मेरा रसोई में बहुत काम फैला है तो आप लोग देखो, मैं उस काम को भी निपटाई थी। आज का ब्लॉग मेरा यही है, घर का काम करना, मस्ती करना और बस। उसके बाद में पति देव आ जाए मुझे खाना खाने, तो पति देव को खाना खिलाना है। उसके बाद वापिस देखते हैं, जो हम सोचते हैं वो तो हम कभी कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम ये मतलब इधर जाएं उधर जाएं, जो मैं नहीं जा पा रहे हैं कोई बात नहीं है। तो उसे इधर उधर जाने का क्या मतलब है, अपने घर में ही ब्लॉग बनाएंगे, अपने घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। तो हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही है, मेरे बच्चे काम निमट गए हैं और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ज़िंदगी है चल रही है। अफसोस है मैं गाँव नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि गाँव जाना था मुझे पर नहीं जा पा रहे हैं। इसकी भी एक वजह है, तो वो भी आगे चल के वजह पता लगी जाए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे टेंशन है इसलिए गाँव नहीं जा पा रहे हैं। तबीयत भी खराब हो रही है तो इसीलिए। और सही बताऊँ ना तो मैं गेट बंद करके रखती हूँ, गेट खोलती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ पर बहुत कम बैठती हूँ, अंदर ही रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। वैसे इसको किचन का काम हमारी डोली संभालती है, लेकिन वो क्या पेपर देने गई थी तो मम्मी ने बोला लो आज किचन का काम भी मैं ही कर देती हूँ, फटाफट खाना बनाना था, पापा को भी आने में टाइम हो रहा था, तो मम्मी ने बोला अरे टाइम ही निकलता जा रहा है तू जल्दी जल्दी कर ले। मैं जा रही थी कपड़े धोने के लिए, बाकी मेरे को मतलब एक प्लग निकल गया जो मुझे झटका दे चुका था, मैं उसमें प्लग भी लगा रही थी। मम्मी ने बोला देख आज ही सब चीज़ें व्यवस्थित करती हूँ, क्योंकि राशन का सामान आया था वो भी मम्मी को व्यवस्थित रखना था, और क्योंकि मम्मी को जाना भी था शाम को लोन वाले के पास कुछ काम से। तो मम्मी ने बोला ठीक है ला, मैं फटाफट पहले किचन का ही काम कर ली, तो उसके बाद मैं और 10 के गिलास। तो ये आंटी जी देखो छोटे छोटे वाले बोर है जो आंटी जी बेच रही है। अंजलि खरीद रही, कितने का ले रही है अंजलि? 10 के ले रही। देखा मीठे है क्या, चेक करो। देखो ये बोर अंजलि लाए है छोटे छोटे, ये मेरे यहाँ सर्दी में बहुत मिलत है, और ये आंटी जी ऐसे तगारी धल लेती है और बहुत 10 रुपये छोटा सा गिलास देती हैं। देखो अभी ऐसे ही बहुत बढ़िया, इनका तो काम बहुत बढ़िया है, चलते फिरते कमाई ले। तो हेलो दोस्तों, चल रहे हैं हम बाज़ार, आप लोग चलो देखते हैं बाज़ार में कहाँ किस जगह जा रहे हैं, हो जाए कि आप लोगों को बताएं, और किस जगह जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बताएं। तो आप लोग मेरे साथ चलिए देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं हम वहाँ पर। और ये टिल्लू है जो देखो मेरी खुद की ही वीडियो बना रहा है, हम खुद की वीडियो बना रहे हैं तो ये भी मेरे ही वीडियो बना रहा है कि, और किसी की तो बना नहीं पा रहा है, तो देखो कोई फायदा नहीं है। तो ये लाली दीदी भी जा रही मेरे साथ में, कहीं नहीं जा रहे, सर ने मना कर दिया। स्टार्टिंग कर देगी ना, अब जा रहे हम बाजार जा रहे हैं काजल के लिए, नहीं काजल ये देख ये जा रहा सूटर लेने खुद के लिए, हम लोग जा रहे सूटा लेने, सब जने जा रहे डैम पे बाद में घूमने, लेकिन हम नहीं हम नहीं जा रहे क्योंकि अब बाजार जा रहे तो डैम पे नहीं जाए, तो हम जा रहे बाजार सूटा। देखो बाजार में आ चुके हैं मार्केट में, लाली दीदी क्या ले रही, सूटर है ना टिल्लू के लिए, तो लाली दीदी टिल्लू के लिए सूटर ली, और सूटर लेगी इस दुकान से, देखते इस दुकान से सूटर ले रही लाली दीदी। तो ये मेरी दीदी है, देखो मेरी दीदी बहुत कमज़ोर हो गई है, पहले बहुत तंदुरुस्त थी, तो ये मेरी दीदी हैं, दीदी से मिलने आए हैं। ये दीदी का घर है, घुड़ी भानेज है मेरी, ज़बरदस्ती चाय बनाने गई, उन्हें मना करी थी हमने तो भी चाय बनाने गई। तो ये दीदी है मेरी, आप लोग देखो मेरी दीदी को, दीदी नहीं दिखी तब तक आड़ करे बैठी थी, इसलिए ये मेरी दीदी है, आए करो आए करो। देखो मेरी दीदी आए कर रही हैं, दीदी से मिलने आए थे हम, बहुत ये मोटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत दौड़ने धूपने वाली थी, कहते ना जो अच्छा इंसान हो तो उसके संगे भगवान हमेशा थोड़ा गलत करता है तो गलत ही कर दो, ये तबीयत सही नहीं रहती, दवा चल रही है, तबीयत सही नहीं रहती है, थोड़ी ठीक हो जाती है। दीदी के घर पे देख सकते हो आप लोग, सेवा तो करती है गुड़िया, भैया सेवा नहीं करे तो कैसे काम चले, सेवा तो करना पड़े ना, माँ बाप की सेवा तो बहुत जरूरी है। मेरा ये दीदी के घर पे आए, बहुत दिन से सोच रहे थे कि दीदी के घर पे जाऊँ जाऊँ पर हम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आज आएगा दीदी के घर पे मिलने मिले, देखो आप लोगों को दिखाओ। अरे दीदी घर पे
और देखो टिल्लू, टिल्लू कितना भी शरमाए रहो फिर भी आई तो रहो है वीडियो में, हैं? ओ टिल्लू कल चले मेहमानी माए, आखिर रिश्तेदारी माए, देखो भाई है ना, टिल्लू बोल नहीं रहो है लेकिन। ये है मेरी दीदी, ये है मेरी भानेज, और भानेज के घर पे और दीदी के घर पे मैं आए हैं घूमने के लिए। तुम तो दीदी के छत पे आए हैं, दीदी के मकान देख रहे हैं, और सब जने आए हैं, तो आप लोगों को दिखाएं हम। देखो ये दीदी के छत पे आए हैं, और ये दीदी की छत है, आपको यहाँ से दिखाएं, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा। ये भानेज की शादी भाई थी तब आए थे, और यहाँ का नज़ारा देखो कितना सुंदर है ना, आप देख सकते हो, पीछे से देख सकते हो, देखो। और आपको पता है मेरा मकान कहाँ है? मेरा मकान दिख भी नहीं रहा यार, सच्ची में नहीं दिख रहा मेरा मकान, तो दिख भी नहीं रहा मेरा मकान, तो उधर है लेकिन है पास ही में पर दिख नहीं रहा। देखो जम्मू कश्मीर से कम है क्या? देखो ऊंचा नीचे कितना अच्छा शहर लग रहा मेरे, हैं? देखो बढ़िया, देखो हमारे इनका शहर, मेरे इन जहाँ हम रात हैं उस इलाका का देखो कितना सुंदर नज़ारा है, हैं? ये दीदी है, वो भानेज खड़ी, वो दीदी है देख रही कह, चलो देख के आए तो हमने भी, जब से भानेज की शादी भई थी जब आए थे छत पे, जब से नहीं आए तो देखो हैं, चौड़ाई नहीं है पर बस आएगा, इनके तो खूब है, इनके तो खूब है लेकिन इनके देखो छत तरक रही है, बहुत पुरानी है, हाँ 30 साल तो खूब हुई गए, देखो ना छत भी कहीं कहीं से बोल गई है, लेकिन ये वो कर रखो है ना, घोड़ियाँ लगाए रखी हैं, देते ना प्लांट में। अच्छा है, हाँ जब भाई भैया पार पड़ रही है तो चले, तो देख सकते हो हम दीदी के घर पे हैं, ये भी उसी का ही, ये तो सोने जी का है ना, ये उसका है। इसने इधर से भी ऊंचा कर लिया है ना, इसका तो मुख इधर है ना, इस तरफ जा ही रहे हैं, हमें गेहूँ भी साफ करनी है, तो हम जा रहे हैं अपने घर पे, अब दीदी के घर से जाएंगे। मिल गई मेरी दोनों दीदियाँ, अब मुलाकात हो गई, तो कहिए मेरी दोनों ले ओ, इन्हें नशा चाहिए, देखो इन्हें नशा चाहिए, अरे नहीं है सही। तो ये मेरी दीदी, तैयारी आज ही करनी पड़े, आखिर दीदी के समधी जी आ रहे हैं, समधियानो पकड़ के करे कस के करे, समझे प्रोग्राम कैसे बनाई रही है, अरे मैं मेरे को करनी है बहन गेहूँ साफ, इसके घर आटा नहीं है, गेहूँ साफ करने का ध्यान ही नहीं है, अब करेगी करे ना, अब देखो ना मेरी आंखें देखो, धूम फूल अच्छा लगी भाभी, मैं तो कब दो एक डेढ़ साल आ गई, मेरी आँख ये देखो दीदी, कल छेद कोचा पड़ गई तेरे तो, मेरे हर दो महीना मुखड़ रही, बहुत ज्यादा दर्द होता है, कोचा पड़ गया जा, शनिवार शुक्रवार यूँ सुबह बासी घर में यूँ करके कंकड़ी वाला नॉन मंगा दी, वही सात बार करके हुआ तो है ना यहाँ पे, और मैं बाल्टी में डाल देना पानी की में कोचा करके, तो दीदी टोटका बता रही मेरे को, सही हो जाएगा, हाँ देखो बहुत दर्द भी बहुत करे, पहले भी बीच में हुई गो तो ठीक हुई गो, तो अब हम जा रहे, देखो तो अब दीदी से भी मुलाकात हुई गई, अब हम घरे जा रहे, सासू जी का फोन आ रहा है, और मेरी नंद बात कर रही है अपनी मम्मी जी से, और काजल आ रही है खबर कोटा तक, अरे आ रही है, अरे मम्मी तुम चिंता काहे कर रही, आए अरे गेहूं ले जियो ना, गेहूं बंद जाए, ओ गेहूं ले जा, आए के गेहूं तो ले तो कहीं गोड़ी, आए जियो मम्मी आए जियो, सिखा रहे हैं मेहमान आ रहे हैं, और समधी आ रहा है, समधी ने आ रही है, और मोड़ी आ रही है, सब आ रहे हैं मम्मी, जय छोटा
छोटे परिवार में बेटी देने का फायदा होता है भैया। हाँ। ताला लगाओ, चलो घूम आए, चलो घूमने घूमने हो जाए और रिश्तेदारी की रिश्तेदारी हो जाए। तो देख रहे हैं तो ना ही उनके से कर नीरू दीदी के लिए नहीं तकिया खोले। तो देखो तकिया खोल ले रही नीरू दीदी मेरी, बनाने लगे भाई का ले रहे पता लगनी चाहिए कमर। देखो ये भी देखो, इन्हें भी देखो, ये आराम से बैठी हैं, ठंड मजा ले रही ओढ़ के। ये देखो बेड शीट बिछ रहे मेरे, इन बेचन आ रहे हैं देखो, अभी ये भी आई गई हैं, ये सब मिल के लिए। साढ़े 900 को जोड़ा है ये, देखो कितना महंगो जोड़ा बता रहे। कैसी हो? देखो ये मेरी आंटी जी है, देखो ये मेरे इनकी ड्रेस है भैया, बहुत अच्छी, लेकिन हम लोग नहीं पहन पाओ तो आंटी जी पहन के दिखा रही है। जीजा जी हैं और बहुत सही साठ है, मतलब अच्छे काम धंधा करने वाले हैं ये, तो ऐसे ही दीदी बोल रही है मेरी, है ना। और ये देखो मेरे मोहल्ले में आए फल फ्रूट बिचन, तो हम जा रहे फल फ्रूट लेने। देखो ये आंटी जी है। तो देखो हमारे मोहल्ले में फल फ्रूट बिचन आए हैं, ये सब मेरी हंसी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को, मुझे वीडियो बनानी है। क्या बहुत सारी वीडियो बन गई, क्या बात है, कहाँ ले रही थी? मेरे सब्जी लेने जाना है। अरे यहाँ की कहाँ ले रही? जिसको जिसने दिया उसे दे दो वाले। हाँ सब्जी वाली भी चलाई है अभी मैं। देखो क्या बात है भैया, 20 रुपए में। मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे गेहूं भी साफ नहीं हो पाए और अब हम जा रहे हैं गेहूँ साफ करने के लिए, आप लोग देख सकते हो। और बस सुबह से भागम भाग हैं, और एक एक मतलब सर हैं वो लोन ले रहे हैं तो सुबह 7 बजे, फिर दिन में, फिर अब है तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, मैंने तो उनकी अपनी वीडियो ही बना ली है। हाँ तो देखो मैं बहुत परेशान हो गया जो मैंने उनकी वीडियो बनाई ली है, और उनका ही वो समझ सके थंबनेल लगाएं तो उनका ही लगाएं, तो आप देखना। और मैं गेहूँ साफ करने जा रहे तो आप आ जाओ मेरे गेहूँ साफ करा दो फटाफट। देखो हमने नहीं तुम्हारे घर तक ले गई हुए, उधर देखो कैमरा वो बज गई, वीडियो हट जा, कैमरामैन फोकस, कैमरामैन क्या हमारी प्यारी माई लड़ाई कर रही है, वो देखो वंशु भी लड़ रही, थोड़ा पास दो मजा आएगी। देखो ये माँ बेटी दोनों लड़ाकू है, देखो बस ये देखो ये चार आखिर वाली चीज दे के भूलती है और फिर अपनी माँ से लड़ती है। कोई नहीं भूली। पीछे माँ बेटी लड़ रही थी और ये चलनी मेरी सासू जी ले गई थी मेरी नंद के घर पे, तो मैं ये चलनी लेके आई नंद के घर पे, और मैं गेहूँ साफ करने जा रहे हैं ये मेरा गेहूँ का कट्टा है, और ये मैं हूँ, ये डोली नाच रही है, डोली चक्कू चक्कू दे दो, डोली चक्कू दे दो, ये काट दो बेटा। मुझे बताया तो ये देखो मेरी डोली है, जो को कहती है मुझे बताया नहीं। देखो दोस्तों मैं गेहूँ साफ करने जा रहे, फिर वो सर थोड़ी देर बाद मेरे को बुला ली कि भाई फ़ोटो खींचा जाओ है ग्रुप में, अब मैं बहुत परेशान हो गया 2 दिन से, क्या लोन के ड्रामा करो मैंने, जब से वो सर है ना सुबह 7 बजे 1 बजे खाना खाने के टाइम फिर, अरे क्या लोन मिलना इतना मुश्किल होता है, सच्ची में बहुत परेशान हो गए मैं तो, क्या करें लोन ले लेके घर चला ही रहे हैं, इतनी मुसीबत है मेरे ऊपर। तो देख सकते हो हम सुबह से ही परेशान हैं, पहले 7 बजे वो सर आएंगे किस्त के लिए, उसके बाद फिर हम आए खाना बनाया, फिर घर का काम किया,
और उसके बाद फिर सर आएंगे और मेरे गेहूँ साफ हो ही नहीं पा रहे। अब बज गई है शाम को 5, तो जल्दी जल्दी गेहूँ साफ कर लूँ भाई। सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अब लोन क्या ले रहे हैं, पैसा की कमी है इसलिए लोन ले रहे हैं। लोन ले रहे हैं तो सर से यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, बहुत परेशान है मैं तो। हेलो दोस्तों, दिन भर के जो भी हमने किया है सब ब्लॉग में आइए और आप लोगों को देख सकी होगी मैंने आज क्या क्या किया है। और अब बज गई है रात को 8, अब निमट चुके हैं, तो आप मेरे नए ब्लॉग में भी बने रहिए और देखना। और अगर मेरा वीडियो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बहुत ज़्यादा ज़्यादा भाई बहनों सपोर्ट करना।